The Legend. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लेजेंड सां गॾु बदर समय जो हाज़िर आहे। असांजे मेहमान लुत्फ़ल्लाह ख़ान सां गुफ़्तगू जो सिलसिलो अञा जारी आहे। तव्हां अॻे हफ़्ते साईं जन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। काफ़ी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जिन ते बहस अञा वधीक थियणु खपे ऐं वधीक उन्हनि ॻाल्हियुनि ते तफ़सील सां ॻाल्हाइणु खपे। अचो त गुफ़्तगू जो सिलसिलो वरी जोड़ियूं था। अगरि कुझु मैंने देखा कि जिस तरह से मैं हारमोनियम बजा के सुनाता हूँ, ये शख्स तो उसके कुछ और ही कर रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तो उनके गोद से पेटी छीन करके मैं बजाने लगे। अच्छा, उस्ताद से उस्तादी करने लगे। अब बताइए उस्ताद का क्या आलम होगा, उसने क्या कहा होगा, उसका निकालो। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है। मैं गया किसी शौक को लेकर के था, पूरा करने के लिए, वो नहीं हुआ और उसका ये हशर हुआ। मुझे अपने करने पर अफसोस भी हुआ, मैं रोने लगा। अच्छा, उनको ये अदा भा गई। मैंने कहा जी ठीक है, कल से तुम आ जाओ। तो उस शख्स ने मुझे, क्योंकि उनके लिए भी एक नया काम था गाना सिखाना आवाज में, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ मुझे तैयार करना शुरू किया। अच्छा खासा तैयार कर लिया, चंद चीजें, सात आठ राग, उस पर कुछ बंदिशें उसमें मुझे सिखा दी। मैं उस पर गाने लगा। लोगों ने कहा साहब, उनके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे शागिर्द की आवाज़ बहुत अच्छी है, अच्छा गाता भी है। कहने लगे मैं उनको सिखा रहा हूँ। उस जमाने में मद्रास रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो नहीं हुआ था, उनका एक अपना रेडियो स्टेशन मद्रास ने, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू किया था। वो शाम को सिर्फ 2 घंटे म्यूजिक के सुनाया करते थे। दिन भर में फुल डे ऑपरेशन नहीं था, वो पार्ट टाइम था। गर्मियों में 5:30 से 7:30 तक, सर्दियों के दिनों में 5 से 7 बजे तक एक आर्टिस्ट होता था, 2 घंटे वो गाता था। अगर अच्छा गा रहा है तो आपकी आपकी खुशकिस्मती, वरना आपको उसके खराब गाना भुगतना पड़ता था 2 घंटे के लिए। ये मद्रास रेडियो था, तो उसका एक ऑडिशन होता था। मैंने कहा रसूलल्लाह, मैं तुमको वहां लेके चलता हूँ, चलो उधर। मैंने कहा चलो। ये ख्याल तक गुजरा कि चंद महीनों का, चंद थोड़े से वक्त में आदमी क्या सीखा होगा कि रेडियो पर जाकर के ऑडिशन दे ले अपना। लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने क्या सिखाया है, उन्हें मालूम था कि मुझे कितना आ रहा था उस वक्त तक। चुनाचे वो जा करके उन्होंने कहा साहब हारमोनियम लेके बैठ के गाओ। मैंने गाया, लोगों ने सुना। हिंदू पंडित थे, एक से एक जानकार, एक से एक बड़ा आदमी था वहाँ मौजूद। कुछ सवाल उन्होंने किए, जो मुझे आता था मैंने जवाब दे दिया, जो मुझे नहीं आता था मैंने कहा साहब ये मैंने सीखा नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो ज्यादातर सवालों के जवाब वो थे जिसमें कहता था साहब मैंने ये नहीं सीखा, मुझे ये नहीं मालूम, जो मुझे आता है मुझे ये आता है। उनको भी शायद रहम आ गया कि भाई एक बच्चा आया है, शौक से आया है, जितना आता है, और आनस भी है, वो कहता है कि साहब मुझे नहीं आता, मुझे इतना ही आता है। तो उस जमाने में 3 क्लासेस थी, A B C। तो उन्होंने मुझे सी दे दिया। सी इसलिए दिया कि डी का उनके पास मौजूद, कोई ग्रेड नहीं था। अच्छा, और उसके 2 घंटे के 30 रुपए वो देते थे। अच्छा, तो ये प्रोग्राम मैंने शायद 9 अक्टूबर, मेरे पास है डॉक्यूमेंट, सब मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है मेरे पास, 9 अक्टूबर 1935 में मेरा पहला प्रोग्राम रेडियो से 2 घंटे का हुआ, जिसमें मैंने 2 घंटे क्लासिकी मौसीकी सुनाई। गुड। और लोग, व्हाट वाज द रिएक्शन? ठीक था। दोबारा बुलाया हूँ, रिएक्शन ये था कि 2 महीने के बाद जो नॉर्मल होता है, उन्होंने फिर बुलाया कि भी आओ। तो इस सिलसिला चलता रहा। बाद में कमर्शियल रिकॉर्डिंग अपना भी रिकॉर्ड किया है, अपना भी रखा है रिकॉर्ड, उसका एक लंबा चौड़ा हिस्सा है।
लंबा चौड़ा किस्सा है और दर्दनाक किस्सा है, उसको बयान करने में मैंने एक किताब लिखी है उस पर, जो शाया हो गई है, उसका नाम है सुर की तलाश। उसमें मैंने ट्रेस किया है कि शौक कैसा हुआ, क्या क्या सीखा, किस किस के पास सीखा, क्या क्या हुआ। कराची जब मैं आ गया तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि एक पार्टी में एक फकीर आदमी से मुलाकात हो गई। नहीं, आई एम सॉरी, वो एक साहब थे, ये सलमा आगा का नाम सुना होगा आपने, इसकी माँ है पारोजी, नहीं उसकी नानी है पारोजी। वो पारोजी के सिकाने साथियों में से, उनके बुजुर्गों में से एक साहब थे, वो उनको लेके मेरे यहाँ आ गई। बहुत फटी हाल में, सर पे टोपी नहीं, जूते पर किसी और किस्म के, और आदमी ऐसा ही मैला कुचैला सा आदमी, लेकिन आदमी शरीफ शक्ल से अच्छा था। अगर वो आपके यहाँ आए तो आप उसे बिठाए भी नहीं आदमी, सभी कहाँ से ले आए आपसे। पारो जी ने कहा कि भाई रसुल्ला साहब, मैं इनको लाई हूँ, ये है, ये वो है। तो मालूम हुआ कि वो साहब जो हैं किराने घराने से उनका ताल्लुक है। किराना घराना एक गाने में एक मशहूर गाना है, इंडिया में बहुत मशहूर है, यहाँ तो लोग शायद जानते भी ना हो उसे। उस किराने घराने में वहीद खां साहब, अब्दुल करीम खां साहब, गंगू भाई, वो ये हीरा भाई, वो जितने भी, वो अभी भीमसेन जोशी, जितने भी हैं, वो सब किराने घराने के हैं, बहुत मशहूर घराना है वो। तो जिन उस्ताद ने, रहमान बख्श साहब ने अब्दुल करीम खां साहब को, बहरे वहीद खां साहब को सिखाया था, उन्होंने इन साहब को, बच्चा था ये आदमी, अपने सीने पे लिटा करके इनके कान भरते गए, सीखते गए, सारा इल्म इनको दिया उन्होंने। लेकिन इस आदमी का भी दिमाग कुछ और किस्म का था, ये तबीयत इनकी अल्लाह रसूल पर, कुरान पर, हदीस पर रागिब थी। जब देखो, जब नमाज रोज़ा अमल पढ़ रहे हैं, तावीज़ लिख रहे हैं, फुला कर रहे हैं, कोई बात पूछो तो कुरान के बीच में लाते हैं, हदीस के बीच में लाते हैं, उसके बगैर बात ही नहीं करते, एक मुसीबत। लेकिन गाना उन्हें आता था। उस जमाने में मुझे तलाश थी, यहाँ बम्बई में, यहाँ कराची में आकर के मुझे कोई उस्ताद नहीं मिला जिससे मैं सीख सकूँ, तलाश थी मुझे। इन साहब को मैंने देखा कि भई ये तो बड़े कारामद आदमी है, इसे कहा जाए। मैंने उनसे कहा कि साहब आप मुझे शागिर्दी में ले लीजिए, मुझे मैं मेहरबानी। उनका घर बार कोई नहीं था, जहाँ भी आते थे ठहर जाते थे, आज रात इसके यहाँ, आज रात उसके यहाँ। कपड़े का एक जोड़ा था, ना संदूक, ना अलमारी, ना कोई, ना उनका बाल, ना बच्चा, ना बीवी, ना कोई, तनहा। अब्दुल शकूर नाम था, मौलाना अब्दुल शकूर कहलाते थे, कुछ नहीं के मौलाना थे वो। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, मैं सिखाता हूँ। तो मैंने कहा साहब मेहरबानी आपकी, क्या आप राजी हो गए। एक मेरी दरख्वास्त है, शर्त नहीं है, दरख्वास्त है, वो ये है कि मुझे राग दरबारी बहुत पसंद है, आप उसको मुझे सिखाना शुरू करें, दरबारी, सिर्फ दरबारी सिखाए और कोई चीज़ ना सिखाए। कोई राग मुझे सीखना नहीं है, बहुत से राग तो मुझे कभी ऐसे वैसे आते ही हैं थोड़े से, लेकिन दरबारी पर मैं चाहता हूँ कि पूरा काबू हो मेरा, उसके बारे में पूरी मालूमात हो, उसके हर सुर को मैं साधूं और हर सुर के साथ मैं पूरा उसका हक अदा करूँ जो कि दरबारी का होना चाहिए। उन्होंने कहा भी बात तो बड़ी तो सिंपल, तुमने एक जुमले में कह दी, दो जुमले में कह दी, इतना आसान नहीं है, ना सीखने वाले की ना सिखाने वाले के लिए। सीखने वाला और सिखाने वाला एक राग को कितने दिन सिखा सकता, तंग आ जाएगा वो। कोई और साथ हो, उसके साथ साथ कुछ और राग छेड़ा जाए, कुछ और सुर छेड़ा जाए, वो बात भी बनेगी। एक राग को रटते जाए रोज 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 रोज, ये सबके लिए मुसीबत है। तुम्हारे घर वाले भी उकता जाएंगे, तुम खुद उकता जाओगे, मेरा क्या है, तुम कहते हो तो मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा जी आप सिखा दीजिए। 26 साल मुसलसल, एक तो
मुसलसल को ख्याल में रखें आप और एक 26 साल के अरसे को ख्याल में रखें। रोज सुबह को वो जहां भी ठहरे होते थे, दो चार ठिकाने थे उनके, जाता ले आता, उनको नाश्ता करवाता, कमरे के अंदर ले जाता, तंबूरा उनके सामने रखता, वो तंबूरे को ट्यून करते, तंबूरा मेरे कब्जे में मुझे दे देते, लेके गाओ, और वो खुद मेरे साथ आवाज लगाते थे, सिखाना शुरू किया कि ये सुर की कैफियत क्या है, इसका रिखब कैसा होता है, इसका गंधार कैसा होता है, इसकी देवत क्या कैसी वाह लगाई जाती है। फिर उन्होंने कहा साहब आपके आवाज जो है वो चुनाचे आपने मुख्तलिफ लोगों को सुना है, कभी आप उसके अंदाज में गाते हैं, कभी फैयाज खान साहब के अंदाज में गाने लगते हैं, कहीं झलक अब्दुल गरीब खान साहब की आ जाती है, कहीं किसी की आ जाती है, कहीं किसी की आती है, कहीं औरत की आती है, कहीं मर्द की आती है। सब इरेज कर दो अपने दिमाग से। मैंने कहा जी फौरन, कहना तो आसान था, वो इरेज होता नहीं। नाज़रीन गुफ्तगू जो सिलसिला अञा जारी है, वठूं था हिकिड़ो ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। भाई इतने दिनों के, इतने सालों का आपका सिखा हुआ, बंदिशें याद हैं, गाना याद हैं, राग याद हैं, गाते रहे हैं इस ताल में उस ताल में, अब उसको कैसा भुला सकते हैं? One cannot unlearn the learn. Unlearn. सही, बहुत सही, बहुत सही। बड़ी कोशिश। फिर उन्होंने कहा कि तरकीब इसकी ये है कि तुम आवाज लगाना सीखो। अब आवाज के बारे में एक बहुत सी मामूली बात है, वो आप भी वाकिफ होंगे, इसको कहते हैं वॉइस कल्चर। अच्छा। वेस्ट में वोकल म्यूजिक जब सिखाई जाती है तो 4-5 साल का कोर्स है कि सिर्फ आवाज कैसी लगाई जाए। गाने बजाने तो बात की बात है, कंपोजिशन बात की बात है, ओपरा की बात और है, सोप्रानो की बात और है, फुला की बात और है, वो बात की बात है, पहले सब आवाज लगाई कैसी जाए, आवाज को निकालना कहाँ से है, कितने जोर की आवाज हो, कितना आपका मुंह खुला रहे, कैसी आवाज निकले, जो आवाज नीचे लगती है वही उसी जोर के साथ ऊपर की आवाज भी लगे, ये हो वो हो, हजारों के साथ झगड़े झगड़े। तो वो 4-5-6 साल तक मैं सिर्फ वॉइस कल्चर के चक्कर में पड़ा रहा रोज। क्या सिर्फ सा लग रहा है, कल रिखब लग रहा है, रे लग रहा है, फिर गा लग रहा है, नहीं ये नहीं है, ये गा गंधार ऐसी नहीं लगाई जाती, जरा सा कम करके लगाओ, इसमें वक्त तो होगा आपका, मैं लेता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वेस्ट ने इसको इसको सप्तक कहते हैं, ये ऑक्टेव जैसे ऑर्गन है उसमें 11 ऑक्टेव होते हैं, हारमोनियम है उसमें 5-6 ऑक्टेव ही होते हैं, उसके लिए 7 से 7 तक इसको सप्तक कहलाता है। तो एक सप्तक को उन्होंने 1200 सेंट में तकसीम कर रखा है, 1200 सात सुरों को 1200 हिस्सों में तकसीम कर रखा, तकरीबन 258 हिस्सों में एक सुर बनता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, यानी एक सुर में अगर आप सा कहेंगे तो इस सा में 258 हिस्से हैं, वो उस हिस्से पर अगर आपकी आवाज जाकर के कायम होती है तो वो जो मौसीकी का तसव्वुर आपके यहाँ है, बारिश होती है, आग लग जाती है, फुला होता है, फुला होता है, उसी वक्त पर जाकर के वो असर होता है कि सा में आप 14th नंबर का सुर लगाएं, रिखब में जाकर के 56th वाला रिखब लगाएं, आप गंधार में जाके वो लगाएं, तब जाकर के एक दरबारी बनती है और दरबारी का जो तासुर जो होता है वो पूरा आप पहले खुद आप अपने ऊपर तारी करते हैं और जाहिर है कि सुनने वाला उसे मुतासिर होता है। रागों की कैफियत है, कोई गुस्से का राग है, कोई दरख्वास्त का राग है, जो कोई प्रेम का राग है, जो भक्ति का राग है, कोई हुर हुर का राग, लड़ने का राग है, कुछ
हर किस्म के राग हैं। आखिर ये जो ये 200-300 राग जो बने हुए हैं, लोग गाते हैं, नाम लेते हैं उसका, आखिर हर राग तो एक नहीं होता, हर राग मुख्तलिफ होता है और हर राग की कैफियत भी एक होती है, उसका वक्त भी अलग होता है, उसके वो कभी अपने वक्त के लिहाज से, कभी अपने तासुर के लिहाज से, आमतौर पर तासुर के लिहाज से, कभी वो किस जगह से पैदा हुआ उस नाम से, या किस जमाने किस मौसम में वो गाया जाता है उस नाम से, अगर इसके बहुत बड़ा लंबा चक्कर है ये होता, तो वो एक एक सुर में एक दराग का मुख्तलिफ हिस्सों में से एक निकालना और फिर उसको उसमें जान करना, फिर उसको उसके उसमें जॉइन करना, तब जाकर के एक लड़ी बनती है उस राग की, इस राग को आप सीख रहे हैं। ये तो याद कर, वरना सपाट तौर पर तो गा लीजिए, वही 7 सुर हैं, 12 सुर हैं, आप यूं उतरे उसमें उतरे चढ़े सुर हैं उनको आप गा लीजिए। वो 26 साल जब गुजरे हैं, 26 साल तक मैंने सिर्फ राग दरबारी और एक उस्ताद से एक राग को 26 साल की जुजवियात पर सीखने में मैंने 26 साल सर्फ कर दिए। तो हुआ ये कि 26 साल के आखिर में मुझे अंदाजा हो गया, मेरी आवाज चाहे लगे ना लगे लेकिन मुझे मालूम है कि कौन सी आवाज सही होती। बस अच्छा, 26 साल में जरा सोचिए ये कितना गहरा इल्म होगा। ये तो हवा में गिरा बांटते हैं आप एक मजमून लिखते हैं, 10 मरतबा उसको काटते हैं, आगे पीछे करते हैं, फुला के जगह करते हैं, उसकी छीलते हैं, छालते हैं, 10 मरतबा छीलते हैं, फिर एक जुमला तैयार करके फिट करते हैं वहाँ। तमाम हुनर के साथ यही है कि आप उसको छीलते हैं, या संग साजी है या संग तराशी है, वो भी आप कहने, सब में ये है कि आप जितना चाहे लीप थोप आगे पीछे करके तैयार करके फिर पेश करते हैं। गाने के साथ ये नहीं, आप बैठ के शुरू हुए इन्हीं के साथ, नहीं मैंने गलत सुर लगाया दोबारा सुर लगाता हूँ, इन्हीं के सुर तैयार, जो निकला निकला फाइनल निकला, तो उस फाइनलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपने एक्स्ट्रा मुहारत चाहिए बहुत। और शोबाजात की नस्बत ये शोभा जो है, मौसीकी का शोभा जो है, वो बहुत ही नाजुक, बहुत ही गहरा, बहुत ही मुश्किल। जब उनका इंतकाल हो गया तो बिल्कुल मैं निहत्ता हो गया, 26 साल का साथ आदमी चला गया, अब मैं किससे सीखूंगा। सीखने का शौक जारी है, अब तक मुझे जारी है उस सिखाने वाला, और उस पाया का मिलना मुश्किल है, फिर मुझे वो समझने वाला, वो समझाने वाला। साहब ये हुआ कि मैं बददिल हो गया, फिर ख्याल आया कि मैं जितना कुछ मैंने सीखा है 26 साल उसका रिकॉर्ड तो कर लूँ, मैं तमाम लोगों को खुद रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मैं मेरे अपना रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड कर लूँ। चुनाचे बड़े एहतमाम के साथ टेप रिकॉर्डर रख करके, रिहर्सल करके, आवाज़ सुन करके, लेवल कायम करके, डिस्टेंस कायम करके, जितना मैंने सीखा था मैंने वो रिकॉर्ड कर दिया। जब सुना, आप यकीन मानिए 26 साल एक आदमी एक राग गाता है और एक राग रिकॉर्ड करता है, तो मालूम तो ये होना चाहिए कि साहब वो बिल्कुल यकीन के साथ और पुख्तगी के साथ वो गाता होगा। जब मैंने अपने आप को सुना उस आवाज में खान साहबियत जो होती है गवैयों की, वो थी नहीं इतना करने के बावजूद। फिर मालूम हुआ कि वो तो सुबह से लेकर के शाम तक यही काम करते हैं, ना पार्टी में जाते हैं, ना क्लब पे जाते हैं, ना एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, ना कमाते हैं, ना कुछ करते हैं, इसी में लगे रहते हैं। फिर भी जब मरते हैं तो उनको कोई नाम याद रखता है, कोई नहीं याद रखता है, कोई मशहूर होता है, कोई नहीं होता है। आज कितने के नाम आपको याद है, कितने नाम याद है आज आपको, इतने लाखों, 300-400 साल से ये सिलसिला चला हुआ है, लोग गुजरे हैं, नाम वाकिफ हैं, कितने नाम वाकिफ हैं आप, 100, 50, 200, 300, लाखों लोग गा चुके हैं, उनके नाम आप याद है, इतना मुश्किल काम है ये। तो बात समझ में आ गई कि ये चीज अताई का, शौकीन का काम नहीं है,
जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। ये अभी आएंगे जो कलेक्शन पे नाजरीन गुफ्तगू जो सिलसिला जारी है। मां ये समझा तो ये पूरी तारीख है इन जो एक एक लफ्ज जरूर गौर से बुधन जड़ो वो ब्रेक द लेजेंड वेलकम बैक नाजरीन गुफ्तगू जो सिलसिलो अजा जारी है। अचो तो लुत्फुल्लाह खान सा गुफ्तगू जो सिलसिलो अगते बताएं। सर कलेक्शन की बात हो रही थी तो आपने अभी तक जो कलेक्शन वो की थी जी। अभी आते हैं हम लोग म्यूजिक पर। वो कौन से नाम हैं जिनको आप चाह रहे हो कि गिनवाया जाए कि भाई फलां लोगों की कलेक्शन है? नहीं, जब आप कलेक्शन पे आते हैं तो उस कलेक्शन को म्यूजिक से मुख्तस नहीं कीजिए आप। आपके बयान से ऐसा मालूम होता है कि मैं म्यूजिक के आइटम्स को, ये दुरुस्त है कि म्यूजिक आइटम्स को मैं जमा करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ कई और आवाजें हैं और चीजें हैं जो मैं उसके साथ कलेक्शन हो रही है। दरअसल इस कलेक्शन को अब नाम हम नया नाम देते हैं, वो है ऑडियो गैलरी का। तो वो कई दर्जों से कई मरहलों से गुजर करके एक बात कायम हुई कि अब इसके अंदर अलग अलग सेक्शन होनी चाहिए। एक हिस्सा तो मौसीकी का हो, एक हिस्सा गुफ्तगू का हो, एक हिस्सा मजहब इस्लाम का हो, एक हिस्सा शायरी का हो, एक हिस्सा फिर एंटरटेनमेंट्स का हो, लतीफ़े बयान किए जाएं, जोक सुनाए जाएं, दोस्तों की आवाज़ें हों, जानने वालों की आवाजें हो, आर्टिस्टों की आवाजें हो। अब वो सिलसिला शुरू हो गया, अल्लाह दे और बंदा ले, वो सिलसिला चलता रहा। तो उसमें ही मौसीकी, मौसीकी जो आप कह रहे हैं तो उसमें ही मौसीकी का एक शोबा उसके अंदर है जो फैलता गया। उसके साथ साथ और जो शोबे थे वो भी फैलते गए। अदब का शोबा, उर्दू अदब का शोबा था, नसरी शोबा था, एक शेरी शोबा था, शेर का हिस्सा अलग हो गया, नसर का हिस्सा अलग हो गया। उसमें तनकीदें थी, नसर में तनकीदें थी, मजामीन थे, बातें थी, इंटरव्यूज थे, वो उसमें आते गए। शेर शायरी में मशायरे थे, लोगों ने अपने अपने शेर मुझे आकर के सुनाए, रिकॉर्ड करवाए, वो थे। उसमें मुख्तलिफ शायरी थी, उसमें मरसिए भी थे, गजलें भी थी, नज़में भी थी, होता गया। मजहब इस्लाम में ये था, कुरान पढ़ा हुआ वो डिस्को पे था, उनको मैं टेप पर मुंतकिल करता गया। पूरा कुरान जो है वो टेप पर मुंतकिल किया मैंने। फिर एक वक्त आया कि मैंने मौलाना एहतशामुल थानवी के पास जाकर के दरख्वास्त की कि आप, मैं आपको आके रोज ले जाता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा दो तीन रुकू, एक रुकू पर पढ़ ले, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। चुनाचे वो राजी हो गए। तो तीन चार साल तक मैं रोज उनकी खिदमत में हाजिर होता था, रोज ले आता था, रोज रिकॉर्ड करता था, रोज वापस। ये सिस्टमेटिक वे में चलता रहा। अच्छा, यही हाल शेर शायरी का रहा, यही हाल उर्दू अदब का रहा, यही हाल और रिकॉर्डिंग का रहा, और साथ साथ म्यूजिक भी चला जाते। अच्छा, ये कुछ बताएं कि इस तरह तो नहीं होता है कि आप शायरी ही मतलब रिकॉर्ड करके उनको, जरूर उनसे बातें भी होती होगी, रफाकत भी बढ़ती है जी। हाँ, थानवी साहब से भी बड़ी होगी बहुत, और डिस्कशंस भी हुए होंगे। इब्ने इंशा की आपने अभी बात की या फैज साहब की बात करते थे आप, तो ये किस तरह का सिलसिला रहा ये कुछ हमें बताएं। बस सिलसिला ये है कि मैं उनके पास जाता था जिनको मुझे रिकॉर्ड करना होता था। कोई साहब बाहर से इंडिया से आ गए, मिसाल के तौर पर फलाने के ठहरे हुए हैं नॉर्थ नाजिमाबाद में या कराची, न्यू कराची में ठहरे हुए हैं या नागन चौक चौक में ठहरे हुए हैं, तो मैं उनके पास जाता था, मुलाकात हो जाती थी, नहीं होती थी तो फिर दूसरे मरतबा जाता था, उनसे मुलाकात हो जाती, बात करता था, उनको रजामंद करता था। जब राजी होते थे तो वक्त मुकर्रर करता था, फिर उस वक्त उनके पास जाता था, उनको लाता था, रिकॉर्ड करता था,
मेरी बीवी उनकी खिदमत में चाय पानी जो भी देना हो वो पूरी खिदमत करती थी। फिर बाद जब उनको जाने का वक्त आता तो फिर उनको ले जाकर तो मैं। अच्छा, आपकी वाइफ को भी शौक है इन चीज़ों का? शौक है और पूरा शौक है। मैं जिस तरह से फील कर रहा था अभी जब हम लोग यहाँ, तकरीबन उनको सब चीजों का पता था, जिस तरह ना पता कि मैं क्योंकि मैं अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया हूँ जहाँ के मुझे जरूरत है कि कोई इस किस्म का प्रैक्टिकल काम जिसमें कि फिजिकल काम शामिल है वो कोई और करे। मुझसे उठना बैठना जाना आना बार बार करना वो होता नहीं। तो मैं अपनी बीवी से कहता हूँ बीवी ये ला दो, बीवी वो ला दो। चुनाचे उनको मालूम करना पड़ा कि फलां चीज कहाँ है, फलां चीज क्या है, कौन आने वाला है, किसको रिकॉर्ड किया है अपने, कहाँ रखा है। तो इस हद तक वो मेरे साथ। ताउन की बात अगर करते हैं तो आप एक जुमला मैं आपसे कहता हूँ, आप समझ लीजिए, सिर्फ वो ये कह दें कि मियाँ साहब ये रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग का बहुत हो गया है, इस पर बहुत खर्च उठ रहा है, टाइम जा रहा है, मैं क्लब में नहीं जा सकती, दोस्तों को अपने पास बुला नहीं सकती, दोस्तों के पास जा नहीं सकती, ताश में खेल नहीं सकती, फला में ये काम नहीं कर सकती, तो आज इसको आप बंद कर दें, लाना छोड़ दें, आज ना आए। वो साहब आएंगे तो फिर कभी आए, जब आएंगे इंडिया से तब लाइएगा उनको, खत्म। तो ये ताउन जो उनका है कि बगैर किसी एतराज के वो मेरे साथ देती रही, यही सब कुछ। अच्छा सर, ये तसव्वुफ के हवाले से, इस्लाम और तसव्वुफ के हवाले से इसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। तसव्वुफ या मिस्टिसिज्म जिसको हम बोलते, उसमें भी आपकी दिलचस्पी? तसव्वुफ भाई सच पूछिए तो मेरी लाइन नहीं है। अच्छा, चूंकि एक मजहबी घराने में पैदा हुआ था, लोगों का आना जाना हमारे यहाँ था, या हमारा उनके उन लोगों के जाना था जहां बुजुर्गान दीन आते हैं, सूफिया आते हैं, तो बचपन ही से आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा, अब वो पाबंदी तो नहीं रही, अल्लाह माफ करे, गुनहगार बहुत हूं मैं, लड़ारा का अल्लाह माफ करने वाला है। 7 साल का मैं था उस वक्त पर, मैं तहज्जुद पढ़ा करता था। अच्छा, तरबियत का माहौल का यह आलम था कि हम सुबह को उठ के, सर्दियों में ठंडा पानी से अगर वजू किया जाए रात को, बच्चा है टाइफाइड हो गया और 42 दिन का टाइफाइड हुआ, हालत खराब हुई, फिर उसके बाद में इसमें इस शराकत में कमी आती गई, किसी न किसी वजह से, दोस्त अहबाब की वजह से कहिए, शौक शौक की वजह से कहिए, वक्त की बात भी कहिए या मुल्कों का असर कहिए, सफर की बात कहिए, किसी न किसी वजह से वो अमली शिद्दत तो कायम नहीं रही, लेकिन जहनी तौर पर जो उस वक्त आलम था इस वक्त भी वही आलम है। बल्कि अब तो बुढ़ापा आ गया है तो अपनी हैसियत, अपनी वक़्त और अपनी जो कैफियत है वो आपके सामने भी है, खुद मेरे अपने सामने भी है, मेरा ज़मीर है जो मुझे उस पर तंबीह करता रहता है, हिदायत करता रहता है, मुझे मेरी रहनुमाई करता रहता है, अच्छे बुरे की तमीज़ दिखाता है, अल्लाह के जल्ल शानहु की कायल है, लेकिन उसकी मेहरबानियों का, करम का, जो आपको शायद यकीन ना है, यह बात ना ये लतीफा है ना ये हंसने हंसाने वाली बात है, एक बेर हकीकत है, एक नंगी हकीकत मैं आपसे बयान करता हूँ। अल्लाह का करम मुझ पर इस हद तक बचपन से लेके अब तक शामिल हाल रहा कि आज तक मैंने जिस चीज को मांगा उसने मुझे दे दिया। कोई ऐसी चीज मुझे याद नहीं आती और है भी नहीं कि मैंने मांगा हो उसने ना दिया हो। ऐसा ऐसी खुशकिस्मती मुझे पता नहीं किस किस को हासिल हुई।
अच्छा तो ये तसव्वुफ़ की बातें हो रही थी, तो कुछ पढ़ा भी है, कुछ सुना भी है, कुछ सोहबतें भी रही हैं, बातें भी हुई हैं, कुछ वज़ायफ़ भी दिए गए मुझे, कुछ बातें भी हुई, कुछ समझाया गया, लेकिन ये शौक शौक़ ऐसा बुरा अमल है दुनियादारी का कि वो उस पर हावी होता चला गया। मेरे पास इतना वक्त नहीं रहा या मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी किसी न किसी वजह से, चुनाचे मैं उसकी लज्जतों से महरूम रहा। ये नहीं कि मैं नहीं समझता क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो है तो बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे इंसान बनता भी है, वो इंसान बनता भी है, उससे सब कुछ होता है, लेकिन मेरा उससे कुछ ज़्यादा मैं खुद नहीं रखा कि अगर मैं उस तरफ चला जाऊँगा तो फिर ये काम नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि अब जो 56 साल से जो काम कर रहा हूँ एक अहम चीज़ है दुनिया में, सखाफत की दुनिया में, शेर व अदब के अलावा, मौसीकी व रस के अलावा, और मुसव्वरी के अलावा, संग तराशी के अलावा, बहुत से ऐसे उलूम ऐसे फ़नून कि जिन पर सिर्फ चंद लोग होते हैं और वो बहुत मुश्किल काम है, जो चंद लोगों से उन्हें अल्लाह ताला ने शोहरत भी दी है, कामयाबी भी दी है, तो वो उसके मुकाबले में मेरा एक नई चीज़ को, ये निस्बतन नई चीज़ है, जब से ये टेप रिकॉर्डर्स आए हैं या कैसेट रिकॉर्डर्स आए हैं या सीडी बनने लगे हैं, आवाज़ को महफूज करने का तरीका ईजाद हो गया है, अब हर शख्स के काबू में, हर शख्स के विद इन रीच है, हर्ज करने लगा है, तो ऐसे दौर में आवाज़ों को, अहम आवाज़ों को, ये नहीं कि अगर बग़ैर किसी इंतखाब के आप आवाज़ों को जमा करते जाए तो ये कमरा क्या, ये पूरा मोहल्ला भी उसके लिए पूरा हो, इसमें तो आपको अपना कुछ थोड़ा सा इल्म, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए कि किसको रिकॉर्ड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको रिकॉर्ड करना है तो कितनी देर तक रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड करना है तो उसे क्या रिकॉर्ड करवाना है। जब तक इन बातों पर आपका उबूर नहीं होगा तो उसको आप ना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना बुला सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं। तो वो एक नई चीज़ है, निस्बतन नई चीज़ है, नया नई सकाफत की दुनिया में एक नई चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि इस आवाज़ों की हिफाजत से, आवाज़ों की मदद से आइंदा सदी में 100 साल के बाद, 50 साल के बाद इससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। एक तस्वुर तो मेरा खुशायन तस्वुर मेरा एक ये भी है कि मिसाल के तौर पर जिस अंदाज से टेक्निकलिटी की तरक्की हो रही है, टेक्निक बढ़ तो उस तेज़ी से अमल में उस पर अमल पैराई हो रही है, तो वो वक्त दूर नहीं कि अगर आवाज़ को 50 साल के बाद अगर आप फीड करें किसी मशीन में तो उस आवाज़ की कास्ट की वजह से कहने वाले का एक 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 महूम सा हुलिया, उसकी शक्ल कायद आज़म की आवाज़ मिसाल के तौर पर आपने फीड कर दिया तो एक शक्ल आ सकती है कि भाई वो मोनोकल है, दुबला पतला चेहरा, लबूतला चेहरा है, ये उसकी आवाज़ हलक से निकल आवाज़ की आवाज़ है। फिर उसमें आपको ये भी मालूम होगा कि ये आवाज़ का लहजा जो है इसके अंदर अंग्रेज़ी तो आपके वो बैरिस्ट्री वाली अंग्रेज़ों की आवाज़ वो आवाज़ तो है, लेकिन इसमें लहजा जो है इसके ख़ानदानी काठियावाड़ी लहजा कहीं झलक रहा है, चुनाचे ये आदमी काठियावाड़ का रहने वाला था। फिर ये भी मालूम हो सकता है कि साहब ये 78 साल की उम्र में ये आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, आवाज़ के लहजे से, आवाज़ के लहजे से, आवाज़ के वैल्यू से एक सूरत पैदा हो सकती है जो बता सकती है कि एक इंसान के 78 साल में 70 साल के बाद की ये आवाज़ है, ये जवानी की आवाज़ नहीं है, फुला की आवाज़ नहीं है। एक और लतीफ़ा सुन लीजिए जो मेरे जहन में है, जिस तरह से आज आप ट्रुथ सीरम दे करके हकीकत सच बुलवा लेते हैं, वो आवाज़ बता सकेगी आपको ये आदमी बिकाऊ तो नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है।
अगर ये चीज 100 साल में मिल जाए तो ये 50 साल में जो मैंने आवाजें जमा कर रखी हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उनको आप फीड करके उनकी सच्चाई मालूम करके, फैज साहब ने ये गजल फुला जगह से मेक्सिको के फुला पर्ड से कही थी, इन्होंने लेकर के उसका नाम दिए बगैर ये अपना लिया, उसका ऐसी बहुत सी खामियां और खूबियां दोनों उस वक्त आ जाएंगी, और उस वक्त पर मौरिख बैठ करके इस 50 साल को दोबारा मुरतब करेगा तो वो सही पर्सपेक्टिव में आपके सामने आए। आवाज की एक अहमियत ये भी। नाज़रीन, गुफ्तगू जो सिलसिलो अञा जारी आहे, वठूं था हिकिड़ो ब्रेक। द लेजेंड। लुत्फुल्लाह खान जी शख्सियत ही कुछ अड़ी है जैं पंजे दौर के घणन माण्हुनि ते असर छोड़ो है। मां तो ये भी समझदुम तो उ घणा राइटर्स, उ घणा गायण वारा या मुख्तलिफ़ जिंदगी के पहलू से ताल्लुक रखंदड़ माण्हू एक हिसाब से लुत्फुल्लाह खान दे मेहरबानी की निगाह से निहारींदा हूंदा, जेके भले अॼु असां जे विच ते न बि आहिनि या कुछ आहिन भी, छाकाण जो लुत्फुल्लाह खान संदन गुम थींदड़ आवाज के, आवाज तमाम जल्दी गुम थी सके थी, उन गुम थींदड़ आवाज के हमेशा जे लाए महफूज करे छोड़ो है। लुत्फुल्लाह खान जी शख्सियत में तमाम घना मू मुतासर आन, संद दोस्ती जो हल्को तमाम वो है। अचो तो संदस एक मदाह दोस्त का उनके बारे में कुछ पुछो। इसमें कोई शक नहीं कि लुत्फुल्लाह खान एक लेजेंडरी शख्सियत है। उनको अगर हमारे मुल्क में किसी पर इस लफ्ज़ का इतलाक होता है तो उन चंद लोगों में से लुत्फुल्लाह खान एक है। ये बहुत बड़ा मकाम है, हम लोग आसानी से बोल देते हैं वो तो लेजेंडरी है, वो तो लेजेंड है, ये वो होना कहना बात है आसान है, होना बहुत मुश्किल है। मैं लुत्फुल्लाह खान साहब को 50 बरस से जानता हूँ तकरीबन, मैंने अब तो मुलाकात भी नहीं होती है, बहुत दिन से कभी कभी मिलते हैं। मैंने इतना कमिटेड आदमी अपने हॉबी से कहिए मकसद, इसको कोई आइडियल तो कहा नहीं जा सकता है, इस चीज़ को कोई मंजिल तो कहा नहीं जा सकता बड़ी, जो उनका शौक़ है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। तो ये हॉबी कहें तो हॉबी तो ऐसी है जो शो भी दी जाती है, हॉबी का दर्जा इससे बहुत कम है। ये कोई एक ख़ास कमिटमेंट है उनका, आवाज़ें रिकॉर्ड करना और तस्वीरें लेना। ये अब तक आपको मालूम हो चुका होगा कि उनके पास जितनी जितने अहम आदमी आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के अहम आदमी मुख्तलिफ ब्रांचेज ऑफ लाइफ में, मौसीकी में, सियासत में, पेंटिंग में, खेल में, किसी भी शोबे हयात में, उन सब की आवाज़ें लुत्फुल्लाह खान साहब के पास रिकॉर्डेड है। इंतखाब करते थे अब उस आदमी तक पहुंचना, बहुत से लोग तो खैर करा लेते हैं शौक के अपनी आवाज़ रिकॉर्ड, मैंने भी कराई है। बहुत से लोग कहते हैं भाई क्यों, हमें क्या बात है, आप क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों रिकॉर्ड करूं, वो प्रॉब्लम बनते हैं। फिर उनसे टाइम तय करना, फिर कहीं तो ये खुद जाते थे अपनी मशीन लेके और किसी को भेजा समझते हैं कि घर पे बुला के वहाँ इनका इक्विपमेंट ज़्यादा अच्छा है वहाँ रिकॉर्ड करें, फिर उसको फेयर करना अपने कैसेट पे लाना ये, और फिर उसको जिस तरह माशाल्लाह सजाते हैं ये अपने कमरे में, इनके पहले एक मकान था, फ्लैट था वो, उसके चारों कमरे उनकी दीवारें खोद के उनमें अलमारियाँ बना के लगा दिए थे वो, फिर वो भी कम पड़ गए तो दूसरा मकान लिया वो बेच के,
कोई पैसे वाले दौलतमंद आदमी नहीं है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी इनकी, एक 40 बरस पहले के करीब, बड़ी कामयाब थी, बड़ी अच्छी थी। उसका जितना पैसा था, जो आमदनी होती थी उसकी उसमें लगा देते थे अपने शौक में। अब अपना शौक क्या हुआ, वो तो एक नेशनल शौक या एक इंटरनेशनल शौक हो गया, आप समझिए। तो मौसीकारों की, म्यूजिक की और मौसीकारों की आवाज़ों की आवाज़ें। फिर जो ये साइड नंबर टू शौक इनका था, वो इस मर्तबे का तो नहीं है जैसे आवाज़ें रिकॉर्ड करने का है, ना उतना बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वो अजीबोगरीब अचीवमेंट है। अब तस्वीर में अपना इनका इंतखाब करना, खुद लेते हैं तस्वीर, इंतखाब करना मंजर का, शख्स का, जगह का, हर वो मुमकिन चीज़ जिसकी तस्वीर दी जा सकती है और इनको पसंद आए, इनको कोई उसमें एंगल नज़र आता हो। तो वो मैंने, मुझे नहीं मालूम कि न्यूमेरिकली के उसका शुमार मुझे नहीं मालूम कि कितने इनके पास क्या है, कितने इनके पास क्या है, लेकिन अगर मैं उमूमी तौर पर हज़ारों कह दूं कि हज़ारों तस्वीरें हैं और हज़ारों आवाज़ें हैं इनके पास, तो ज़रा भी मुबालगा नहीं होगा। अब उम्र उनकी हो गई है, ज़ाहिर थोड़े मुझसे ही बड़े हैं, लेकिन अब भी काम करते हैं, काम किए जाते हैं, और ज़ाहिर है कि ये काम तो ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अब भी उनका जो इश्तियाक है और जो उनकी महवियत है उसमें जब वो मसरूफ़ होते हैं, और जो उनका, जिसको मैंने शुरू में ही इब्तदाई गुफ्तगु में कमिटमेंट कहा था, उसमें मैं ज़र्रा बराबर कमी नहीं देखता। अल्लाह उनको सलामत रखे। लुत्फुल्लाह खां, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पूरे एशिया में, एक दफ़ा हमने तहकीक की थी, हम कुछ दोस्तों ने मिलके पूछा, पूछगछ की थी, खतूत लिखे थे इधर उधर, आने जाने वालों से ही पूछा था, हर यूरोपियन, ब्रिटेन से तो हमने ज़्यादा नहीं रब्ता किया, लेकिन अमेरिकन भी हर हैरान है इस चीज़ पे, बहुत सारे अमेरिकन से बात हुई, और ख़ास तौर पर एशिया के जो लोग, चाइना का मैं नहीं कह सकता 100%, लेकिन ये जो हमारा साउथ एशिया समझ लीजिए और ईस्ट एशिया लगा के, इसमें कोई आदमी ऐसा होगा तो होगा, ही इज नॉट नोन टू अस। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मैं तो मतलब इन सब बातों से ये समझ में आता है कि ये एक और साइंस भी है जो पैरेलल काम कर रही है। सर बात ये है कि बातें इतनी हैं, एंड यू आर सो, मतलब ये कहना चाहिए कि इतने पहलू, इतने एंगल्स हैं कि हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, सो इस प्रोग्राम का भी है। बहुत शुक्रिया, आपने सब कुछ इतना खुल के और इतने अपने अपनापन के साथ ये सब कुछ शेयर किया। सो नाइस ऑफ यू, और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने उसको इस काबिल समझा के इस काम को किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लुत्फुल्लाह खान जी शख्सियत मुमकिन आ काफ़ी मन कान न हुजे, ही लेजेंड जो ही प्रोग्राम ॾिठे खां पोइ तव्हांखे मालूम थिए त लेजेंड जी सही माना में जेकॾहिं के माण्हू लही सघनि था त लुत्फुल्लाह खान उन मां हिकिड़ो आहे। ऐं यकीन सां त मूं ही प्रोग्राम करे घणियूं अहिड़ियूं शयूं जिन खे शायदि मां अॻे कॾहिं न सम्झी सघियोसि, अॼु सम्झण में कामयाबु थियो आहियां। उमेद त तव्हां बि इन क़िस्म जो एक्सपीरियंस मूं सां शेयर कंदो। तव्हांजा थोरा, तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां पंहिंजो टाइम कढी असांजो प्रोग्राम ॾिठो। ईंदड़ हफ़्ते वरी मुलाक़ात थींदी। अलाह भाई।